नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जल्दी से हो जाइए कनेक्ट, एक मॉक टेस्ट कर लेते हैं जिसके अंदर मिक्स क्वेश्चंस हैं, बायो भी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो कनेक्ट हो जाइए, जो कनेक्ट हो चुके हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि आपके साथी दोस्त भी आ जाए, ताकि पता लगे जब हम पोल करते हैं तो कितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, कितने गलत दे रहे हैं। तो एक बार कनेक्ट हो जाइए प्लीज़ जल्दी से, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक मौका है। यहाँ पर देखिए क्या है, मुकाम NDA 1 2022, ये एक मॉक टेस्ट है। कब होगा ये? होगा भाई साहब कमिंग संडे 13 फरवरी को सुबह 10 बजे। इसका लिंक मैं आपको 12 को 13 को भी इनफैक्ट प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल टीम अर्पित पर। सो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ टीम अर्पित टेलीग्राम चैनल, वो ज्वाइन कर लेंगे, इजीली मिल जाएगा आपको सर्च करने पर टेलीग्राम पर, उस पर मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप इजीली लैंड कर पाएंगे मॉक टेस्ट के जगह पर जहाँ पर ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट रैंकर को 100% तक का डिस्काउंट, जबरदस्त। सेकेंड रैंक, थर्ड रैंकर को 75%, फोर्थ फिफ्थ सिक्स को 50%, 7, 8, 9, 10th रैंकर्स जो होंगे उनको 25% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। राम राम जी, गॉड ब्लेस, बहुत बढ़िया। चले जी स्पीड अप कर दूँ, उत्कर्ष जी आप जल्दी में रहते हो हमेशा, स्पीड अप नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। चले लेट्स स्टार्ट और पोल दूंगा मैं आपको, ठीक है। चले, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कैरेक्टराइज बाय, एक सेकेंड रुके जरा, हाँ ठीक है ना, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कैरेक्टराइज बाय द कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। ऑप्शंस आर एमनेशिया, सिज़ोफ्रेनिया, अल्जीमर्स डिजीज, पार्किंसन डिजीज। इसमें से कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी किस को कहेंगे? जबरदस्त है, चलो मैक्सिम पोल दे दूँ आपको। चलो जी बताएं जरा, हाँ जी, कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी, एमनेशिया, सिज़ोफ्रेनिया, अल्जीमर्स डिजीज, पार्किंसन डिजीज। प्रशांत जी बिल्कुल मिलेंगे, हाँ जी। ए 50%, हाँ नहीं, जवाब तो आपने देखिए 50% बच्चों ने सही दिया है कि कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एमनेशिया। सिज़ोफ्रेनिया ये एक कन्फ्यूजन के अंदर, हेलुसिनेशंस के अंदर सिज़ोफ्रेनिया है। अल्जीमर डिजीज जब ग्रेजुअली डीजनरेट होने लगते हैं आपका माइंड या सेल्स, तो इट लीड्स टू एमनेशिया, ठीक है। उस स्टेज को अल्जीमर्स डिजीज कहते हैं, फाइनल स्टेज इज एमनेशिया, ठीक है। पार्किंसन डिजीज ये आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जब ब्रेन सेल डिस्ट्रॉय होते हैं तो ट्रेमर्स होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। सो ये है आपका एमनेशिया, ठीक है। चलिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज बिलोंग टू विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल किस ग्रुप में है? मैमल्स हैं, ईव्स हैं, पाइसिस है, या फिर एंथ्रोपोड्स हैं, ठीक है। चले जी, हाँ जी, जबरदस्त है जी, बहुत बढ़िया। कितने देर की क्लास है? अब मैराथन है भाई साहब, 6 घंटे नहीं मजाक कर रहा हूँ, 40-45 मिनट्स की। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज बिलोंग टू द एंथ्रोपोड, एंथ्रोपोड क्या है? जिनका बॉडी पार्ट्स मतलब सेगमेंटेड है, ठीक है, डी सेगमेंटेड, आई एम सॉरी, एंटीना अलग, आईज अलग है ना, लिम्ब्स अलग, बॉडी पोर्शन अलग, और कभी कभी तो आपका टेल भी सेपरेटेड होता है, ठीक है। तो एंथ्रोपोड इज द राइट आंसर। चल, विच अमंग द फॉलोइंग ब्लड प्रोटीन रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा,
अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा, कौन सा प्रोटीन रेगुलेट करता है? मैमल्स नहीं है भाई साहब, 74% मैमल्स बोल रहे हैं, नहीं एंथ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स, ठीक है। ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, फाइब्रिन, फिबुलिन, इसमें से कौन सा ब्लड प्रोटीन है जो कि अमाउंट ऑफ प्लाज्मा मेंटेन करता है? ठीक है जी, डन 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 डन, चलो, लव यू टू माय डियर फ्रेंड, लव यू टू। बताइए जी, राइट चले, फाइब्रिन इज द राइट आंसर। सी यार कुछ भी मत बोलो, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन दोनों ही ग्लोबुलिनस या ग्लोबुलिनमस प्रोटीन होते हैं बच्चे, ये आपके बॉडी को इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। बट फाइब्रिन इट मेंटेन्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा प्रोड्यूस बाय लीवर ओनली। नहीं, ए इसका आंसर नहीं है बच्चे, मत करो ऐसे। मेला है यहां पर। ग्वाइटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रोंकोसेल, लैरिंग्स, ऑटो इम्यून डिजीज या फिर इन्फ्लामेशन। ग्वाइटर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन बॉडी या लेस इनटेक ऑफ आयोडीन, उसकी वजह से क्या होगा, गला ऐसे बड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो भाई? अच्छा, पोल आ चुके हैं आपके पास। बी कह रहे लैरिंग्स, पक्की बात है, लैरिंग्स बोलेंगे। अब आप खुद सोच के बताइए कि लैरिंग्स क्या है। शाश्वत जी आइए, जबरदस्त। हाँ जी, लैरिंग्स क्या है आपका? गेटवे ऑफ एयर। ट्रैकिया एंड फेरिंग्स के ऊपर लैरिंग्स होता है, वो तो आप फूड पाइप या हमारे वॉइस के कंट्रोल में मदद करता है। ठीक है, यहाँ पर है बच्चे आपका ब्रोंकोसील। ब्रोंकोसील एक्चुअली अलग अलग टाइप के होते हैं, आपके ब्रोंकोस लंग्स के अंदर भी हो सकता है और आपके लैरिंग्स के अंदर भी हो सकता है। इसका आंसर सही है ब्रोंकोसील। क्या होगा इसके अंदर, म्यूकस भर जाएगा एंड वो स्वेल हो जाएगा, सेम ऐसे लंग्स के अंदर भी होता है ब्रोंकोसील। राइट, सो ए इज द राइट आंसर हियर। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ द सनलाइट, कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा? ग्रीन ब्लू, ग्रीन रेड, रेड ब्लू, रेड येलो, बाकी रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, चले, बच्चे मेरी स्पीड देखो इतनी है, अब मैं क्या बोलूँ आपको, या तो मैं सीधा सीधा आंसर दूँ और मैं चला जाऊँ 10 मिनट के अंदर क्लास ख़त्म करके, ऐसे नहीं होता ना। अब आप आए हो क्लास में, थोड़ा तो वेट करोगे ना, कमाल करते हो यार। डिसअपॉइंटिंग,
चले जी माय डियर फ्रेंड, द राइट आंसर इज रेड एंड ब्लू, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा हाँ, और रिफ्लेक्ट करेगा ग्रीन, इसलिए ग्रीन कलर के दिखते हमें पत्ते, ठीक है। चले वैसे ग्रीन एब्जॉर्ब नहीं करेगा ना, ग्रीन तो रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए वो ग्रीन कलर का दिखते हैं हमें। दिस टोमेटा इन द एक्वेटिक प्लांट, स्टोमेटा पोर्स जिसकी वजह से रेस्पिरेट करते हैं प्लांट्स। द स्टोमेटा इन द एक्वेटिक प्लांट इज नॉट फाउंड फाउंड एंड अवेलेबल ऑन बोथ द सरफेस, बोथ द सरफेस, ठीक है, फाउंड एंड अवेलेबल ऑन द अपर सरफेस ओनली, फाउंड एंड अवेलेबल ऑन द लोअर सरफेस। स्टोमेटा इन एक्वेटिक प्लांट कहाँ होते हैं बताएंगे? हाँ जी, दिस टोमेटो एंड द एक्वेटिक प्लांट्स आर अवेलेबल ऑन द अपर सरफेस ओनली, जहां पर हम जिसको बुलाते हैं ये अपना फोटिक एरिया, फोटिक मतलब कि फोटोस्फेयर से सनलाइज आती है ना, तो जहां पर सनलाइज सनलाइट या सनरेज जहां तक जा सकती है वहाँ पर स्टोमेटा आर प्रेजेंट, अदरवाइज डीप मरीन एक्वेटिक लाइफ के अंदर स्टोमेटास आर एब्सेंट, राइट। चले फ्लावरिंग और फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लावरिंग या समर प्लांट्स भी हम इसको कहते हैं, इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, हार्मोन्स है प्लांट में, कौन रेगुलेट करता है लॉन्ग डे फ्लावर्स को या फिर समर प्लांट्स जिसके अंदर फ्लावर्स आते हैं, ठीक है जी। चले लाइक तो करना नहीं है, बातें चल रही हैं, एक दूसरे की आईडी शेयर हो रही है, इंस्टा आईडी है, और चले भी गए देखो बाकी इंस्टा पे बात करने, ये सही है, कोई नहीं भाई अब भी देख लेंगे, अपना भी टाइम आएगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज क्या? बी, हाँ नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया, बी इज द राइट आंसर। हाँ जी सर, लो जी अलजबरा, अरे जबरदस्त। आर्टिफिशियल किडनी और ब्लड डायलाइजर, ठीक है, डायलिसिस जब होता है तो, विच इज यूज्ड इन रेनल फेलियर और किडनी डिसऑर्डर, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एम्बिशन एंड ऑस्मोसिस, प्लास्मोलिसिस एंड ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन ओनली। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस इज द राइट आंसर। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, सेम चैनल पर ही बायो की क्लासेस होगी। तो सेल डिवीजन के अंदर जब यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स हम करेंगे और उसी दौरान हम देखेंगे प्लाज्मा सेल्स वगैरह जब डिस्कस करेंगे उसी दौरान हम डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस कर देंगे, मोस्ट प्रॉब्ली सेकेंड क्लास में मैं कर दूंगा डिस्कस, ठीक है। फर्स्ट क्लास में हम सेल डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, एंड जल्दी जल्दी करेंगे फास्ट फॉरवर्ड में, सेल कितने टाइप के होते हैं, प्लांट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, वॉक्यूल्स कहाँ पर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये सभी चीज़ें हम करेंगे। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज आर द स्टेजेस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? माइटोसिस, मियोसिस, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर सेल मेटाबॉलिज्म? ये
लव यू करण जी, आइए, शाबाश। हाँ जी, मैं अर्पित सर के घर हूँ, स्टूडियो अर्पित सर का, अर्पित सर के घर पे, ठीक है। चले जी, बताइए। ए माइटोसिस, मियोसिस, हाँ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, टीलोफेज, इसके अंदर सेल डिवीजन होता है रेप्लिकेशन के बाद, टोटल रेप्लिकेशन का नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, बीच से कट, मतलब रेप्लिकेट ऑफ सेल, माइटोसिस एंड मियोसिस प्रोसेस में, ये भी हम करेंगे जल्दी। चलिए, अमंग फर्न्स, मॉसेस, एल्गी एंड फंजाई, क्लोरोफिल्स इज फाउंड इन, क्लोरोफिल कहाँ मिलता है, ग्रीन पिगमेंट्स, इनमें से किस में मिलेंगे, फर्न्स, मॉसेस, एल्गी एंड फंजाई में, एल्गी एंड फर्न्स, एल्गी एंड मॉसेस, एल्गी, फर्न्स एंड मॉसेस, नन ऑफ द अबव। चले जी, एक मिनट रुके जरा। हाँ जी, चले, बताइए प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, फ्यूचर ऑफिसर्स, सुधीर सिंह, आपका नाम ले लूं, सुधीर सिंह, और बताइए। माय डियर फ्रेंड्स, एल्गी, फर्न्स एंड मॉसेस इज द राइट आंसर। एल्गी के अंदर भी है, फर्न्स एंड मॉसेस दोनों के अंदर भी है। फर्न्स एंड मॉसेस आपको टुंड्रा रीजन के अंदर देखने को मिलेंगे, सॉरी, आपका टाइगर रीजन के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपके श्रब लाइक होते हैं, लेकिन आईसी रीजन के अंदर, ठीक है। एल्गी, फर्न्स एंड मॉसेस इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन गुलामगिरी, बायो खत्म, ओ भाई, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन गुलामगिरी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, ज्योतिबा फुले या फिर दादू दयाल। गॉड ब्लेस यू हर्ष जी, आइए। यस माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ जल्दी से बता दीजिए, फिर हम करेंगे सेशन को एंजॉय, करते करते सेशन को एंड करेंगे, फिर अपने घर चलेंगे, मम्मी ने क्या बनाया है पूछेंगे, फिर खा लेंगे जो भी बनाया होगा, है ना, चॉइस नहीं है ना अपने पास। चलिए, ज्योतिबा फुले इज द राइट आंसर। चलिए, इन विच ईयर एंड एट विच प्लेस इंडियाज नेशनल एंथम was sung for the first time, haan ji। तो नेशनल फ्लैग, अपना ये नेशनल एंथम फर्स्ट टाइम कब और कहाँ गाया गया था, मैं रात को सीडीएसई क्लास में रहता, विकास बारिक, आपको नहीं मालूम सीडीएसई क्लास सुबह होती है, 6:45 पर स्टार्ट होती है, 7:45 तक चलती है, ठीक है जी।
अच्छा न्यू टेलीग्राम चैनल पे मैंने दे दिया है, अर्पित सर को सेंड कर दिया, वो न्यू टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, डोंट वरी। चलें जी, द राइट आंसर इज 9/11 कोलकाता, 1911 कोलकाता। हु वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द फेमस त्रिपुरी सेशन ऑफ 1939। ये जबरदस्त आंसर देना है आपने। चले जी बताइए, सर आप कहाँ से? मैं भारत से हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, ठीक है जी। कोई जब हमसे रिलीजन की बात करते हैं तो हम बोल्ड एंड कैपिटल में इंडियन लिखते हैं। चले जी, हाँ जी, द राइट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस एंड ही क्विट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, आई मीन ही रिजाइंड एंड काफी कुछ हैम्पर हो रहा था, पॉपुलर होने के बावजूद लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे फॉर बट ऑब्वियस रीजंस, ठीक है, और ही क्विट। और फिर आजाद हिंद फौज। हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द फेमस बुक इंडिया विंस फ्रीडम, इनमें से इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है? आप इतने पढ़िए, मैं आपको पोल देता हूँ और दो मिनट बैठ भी जाता हूँ। हाँ जी पढ़ लिया, बढ़िया हो गया। लो मैंने आपको थोड़ी सी इम्यूनिटी दे दी, मैंने दो ही ऑप्शन दिए, दोनों में से बता दो कौन क्या हो गए, पैरों में उलझे जा रहा है। चलो जी, विच अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर द फेमस बुक इंडिया विंस फ्रीडम, बताओ जी। क्यों छटका दिया ना? पोल मैंने यही दिया ना आपको, नहीं ए तो है ही नहीं, इसका आंसर बी है। अच्छा आप कितने 50% ने दिया, 56% ने। चलो राइट आंसर इज मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इंडिया में। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट इलेक्टेड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन पार्लियामेंट, ठीक है, लोअर हाउस वहां का, इनमें से पहले वहाँ पर इलेक्ट कौन हुआ था, किसने रिप्रेजेंट किया था वहाँ पर, ठीक है, भिकाजी कामा, जे आर डी टाटा, दादाभाई नरोजी या फिर दिनशो अब्दुल जी वाचा। बच्चे बुक तो देखिए, बुक एंड नोट्स तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे ना फॉर द कंप्लीट नॉलेज, क्योंकि आपने यूपीएससी का दामन थामा है, यूपीएससी ने आपका दामन पूरे ज़िंदगी के लिए थामा है, समझ रहे? तो इवन आफ्टर ज्वाइनिंग, जब भी आप कमीशन होंगे उसके बावजूद भी आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि आपके ट्रेनिंग, आपकी प्रमोशन से पहले ट्रेनिंग, प्रमोशन के बाद ट्रेनिंग, आपका ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें बिल्कुल याद रखनी होती है। आप इन सब चीज़ों से पीछा नहीं छुड़ाएंगे आप पूरी उम्र के लिए, राइट? सो इसका आंसर आपने देना है, मैं आपको दे रहा हूँ पोल। डन हो गया जी,
और कभी कभी क्या होता है कि जैसे कभी पार्टी चल रही हो, पार्टीज में हैं आप लोग, और सीनियर के जो हैं बच्चे आएंगे आपसे पूछेंगे, सर जय हिंद, हाँ जी जय हिंद जय हिंद, सर त्रिपुरी सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे? एंड आप कहेंगे ओ माय गॉड, सारा पढ़ा था, यही नहीं पढ़ा बस, है ना? और ये भी हो सकता है कि सर कैन यू प्लीज़ टेल मी कि राज्यसभा की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, क्या होती है, कंपोजिशन क्या है ना? तो फिर आप कहेंगे ओ माय गॉड, ये भी नहीं पढ़ा था। तो इसे पढ़ना है। राम राम जी, आइए। ठीक है, इसका आंसर दादा भाई नौरोजी। फाउंडिंग पार्टनर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इन इंडिया बिकेम फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? इसमें से किस कंपनी के जो पार्टनर थे उन्होंने स्टार्ट किया था, फाउंडर थे इस इन इन कंपनी में से, जो कि पाकिस्तान के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे? क्या टाटा मोटर्स के फाउंडिंग या फाउंडर, महिंद्रा एंड महिंद्रा के फाउंडर लार्सन एंड ट्यूब्रो, या फिर पीरामल के जो कि एक फार्मा जाइंट है? हाँ जी, मैं तो भी यार क्लास में हूँ, मैं पूछता हूँ, 7:15 तक उधर ही आता हूँ पार्किंग में। हाँ बाइक पे आता हूँ, नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 7:15 पे आ जाऊँगा मैं। हाँ उधर ही आता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक, हाँ हाँ बिल्कुल तैयारी कर ले। ठीक, गॉड ब्लेस यू बच्चे, आई। हाँ तो जी, राइट आंसर इसका महिंद्रा एंड मोहम्मद हुआ करता था पहले, महिंद्रा एंड महिंद्रा है अब। राइट आंसर इज बी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड 3 times एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इनमें से 3 बार कौन प्रेसिडेंट रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? प्रांजल नहीं उठाते होंगे, मैं उठाता हूं, ठीक है? हाँ जी, राइट आंसर इज दादा भाई नौरोजी, राइट। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अबॉलिश द स्टैचुटरी सिविल सर्विसेज एंड रिकमेंडेड अ प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज इन 1888? 1888 के अंदर PCS, जिसको आप प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज कहते हैं, जो कि सबॉर्डिनेट सिविल सर्विसेज के अंदर सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जैसे कि आपके एक डिपार्टमेंट के अंदर अब IAS ऑफिसर्स हैं, जैसे वो अगर DM बनेंगे तो SDM आपके PCS से निकलेंगे, DSP, तहसीलदार, ये सभी ये प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज से आएंगे। तो ये रेकमेंड किसने किया था? इस्लिंगटन कमीशन, एचिसन कमीशन, रॉयल कमीशन ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया, चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज कमीशन, इनमें से बताइए फटाफट से, इंपॉर्टेंट है ये। हाँ जी, चलिए शाबाश, फटाफट से प्लीज।
मैं आंसर दे दूं आपके बताने से पहले ही, मैंने पोल तो जनरेट कर दिया, अब तक पहुंचा नहीं पहुंचा। मैं आंसर दे दूं, दबा देंगे सारे बटन उसको। चल, एक्सीशन कमीशन इज द राइट आंसर। चल, बी इज द राइट आंसर, याद भी रखेंगे ना कि बी दबाया था मैंने। अलाया यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। ये अलाया है, ठीक है, अलीगढ़ नहीं है। अलाया यूनिवर्सिटी फर्स्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फर्स्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑफ विच स्टेट, कहाँ की है, ठीक है। अरे अभी भी सी दबा दिया, हद होगी, सी कहाँ है दबाओ। रॉयल नहीं भाई, 19 का दीजिए जवाब, छोड़ो आपसे ना हो पाएगा है? हाँ जी, अलाया यूनिवर्सिटी फर्स्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल। आगे चलते हैं, ब्रिंग आउट द ओनली, इसको छोड़ दीजिए, काफी हेल्थी हो गया। ये बताइए, व्हाट इज द सेक्स रेशियो एट बर्थ ऑफ द इंडिया इन द ईयर 2020-2021। सेक्स रेशियो क्या है इंडिया में फिलहाल, अभी प्रेजेंटली 918, 920, 937, 951। चले, नेक्स्ट क्लास कब होगी मेरी? मेरी नेक्स्ट क्लास डे आफ्टर टुमारो, ऑन 12 फरवरी सैटरडे। नौ सौ सैंतीस है भाई साहब, ठीक है जी। अब मैं पोल नहीं दे रहा हूँ आपको, सीधा आंसर दे रहा हूँ, डन। 937, विच इंडियन पेस बॉलर अचीव द माइलस्टोन ऑफ 200 टेस्ट विकेट रिसेंटली। रिसेंटली 200 विकेट टेस्ट सीरीज में, टेस्ट क्रिकेट में किसने लिया है? मोहम्मद शामी, रविचंद्रन अश्विन, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह। भाई साहब क्रिकेटर हुआ करते थे किसी जमाने में जब हम देखते थे। स्टीव वॉग, मार्क वॉग, जॉन्टी रोड्स, कटली एम्प्रोस। एक भैया जब बाउंसर फ्रैक्चरली छुरी है, फिर स्टोरी सुनाने बैठ जाऊंगा आपको, है ना। मोहम्मद शामी इज द राइट आंसर। चले, मैं बॉल लगती थी ना हेलमेट पे आके, तो पता लगता था कि कितनी स्पीड के साथ बॉल आई और बाउंसर बंदे ने फेंकी, जो पर्पस था वो पूरा हो गया, ठीक है। Which country is the world's top producer of rare earth material? जैसे ही अमेरिका निकला अफगानिस्तान से, जैसे ही तालिबान आया और वो एजुकेशन की बात ना करके, फ्री एंड फेयर इलेक्शन या डेमोक्रेसी की बात ना करके, हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव ना करने की बात करके और दूसरे मामलों के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के जितने भी मिनरल ब्लॉक्स थे उसके ऊपर कब्जा कर लिया और चाइना बन गया है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का नंबर वन प्रोड्यूसर, जो कि वो अगले 50 सालों के लिए उसने अपना सिक्योर कर लिया है। कहाँ पर यूज करेगा? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स में, सोनार्स, रडार्स, स्पेस। चले, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट लोकेटेड। यहाँ पर भी एक मजेदार बात है, जिसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल है वो बात करता है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। रशिया, अमेरिका, फ्रांस, यूके, ये सारे बात करते हैं कि डिसआर्मामेंट करना। पहले आपसे स्टार्ट करें, चैरिटी बिगिंस एट होम। Where is the headquarter of conference on disarmament? Geneva, Paris, Rome, New York. The right answer is Geneva. Right, चले, ये फिर मिलते हैं, बातें करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं और कहते हैं disarmament करना है। किससे करना है? इंडिया को बोलेंगे disarmament नहीं करना आपने। इंडिया की पावर पता लगती है फिर इनको कि यहाँ पर तो यार मार्केट है, यहाँ पर डेमोक्रेसी, यहाँ का कल्चर, यहाँ की वैल्यूज,
हेल्थ सर्विसेज, जो दिमाग है कंप्यूटर साइंस के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर, फिर ये अपना मन बदल लेते हैं, फिर ये जाते हैं नॉर्थ कोरिया के पास किम जोंग उन, फिर वहाँ से बात नहीं बनती तो फिर ये कभी इराक की तरफ, लीबिया की तरफ कि भैया आपके पास ना वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। अरे आपके पास भी तो है। चले विच यूनियन मिनिस्ट्री, विच यूनियन मिनिस्ट्री सेटअप 6 टास्क फोर्सेस ऑन G6 टेक्नोलॉजी। कोरिया और अमेरिका ने 5G लॉन्च कर दिया, इंडिया कह रहा है कि मैं सीधा 6G के ऊपर आऊँगा सबसे पहले, तो किस मिनिस्ट्री ने एक टास्क फोर्स बनाया है उसके लिए 6G टेक्नोलॉजी को सबसे पहले लाने के लिए। हम 5G का वेट नहीं कर रहे, हम 6G का वेट कर रहे हैं, ठीक है। सिग्मा रूल्स होते हैं कुछ अपने पास। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर। डन। हु इज द हेड ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमिटी। एनर्जी ट्रांजिशन इट मीन्स ऑल्टरनेट्स ढूंढने हैं। इस टाइम पर आपका जो व्हाट यू कॉल, एक बड़ा सुंदर सा वर्ड है इंग्लिश भाषा का, इंग्लिश लैंग्वेज का, अंग्रेजी जुबान का, उसको कहा जाता है कि अरे यार एंड टाइम पे सारी चीज़ें याद नहीं आती। तो यहाँ पर क्या है कि आपने सब्स्टिट्यूट्स ढूंढने हैं, उसको कहा जाता है नहीं याद आ रहा। तो एनर्जी ट्रांजिशन इट मींस कोल, पेट्रोलियम या फॉसिल फ्यूल्स जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वहां से स्विच करना है हमें सोलर की तरफ। हमें अपनी प्रायोरिटीज को भी चेंज करना है, हमें अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है एनर्जी ट्रांजिशन की, उसको लीड कर रहे हैं तरुण कपूर। Which is the parent company of GitHub, an open source software developer which was seen in the news recently? GitHub, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये पीछे क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि बुली भाई, सुना होगा आपने बुली भाई, और illicit manner के अंदर वो engaged थी। तो parent company बुली भाई जो बना रही है GitHub है, वो GitHub की parent company is Microsoft। कुछ ऐसी बातें अपने पास, ठीक है। चले जी, डेट्स ऑल फॉर टुडे। आई टेक योर लीव नाउ, आई नीड टू रश समवेयर। आई विल सी यू टुमारो ऑन द सेम चैनल सेम टाइम, और बातें करेंगे ढेर सारी करंट अफेयर्स को लेकर के, या फिर कोई किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जो कि इम्पोर्टेंट होगा, इंटरेस्टिंग के साथ साथ आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी रहेगा वो, राइट। अनंत कुमार राजपूत जी, नहीं मैं तो गिफ्ट दूंगा आपको, मैं मॉडरेटर नहीं बना रहा हूँ आपको। ठीक है जी, चले लव यू टू माई डियर फ्रेंड। चल दिस इज सनी वर्मा साइनिंग ऑफ। यू गाइस टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।